हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्रांड वीडियो। ज्यादा इंग्लिश होगी ना तो भाई साहब, तो एक बात है सीधा, बात तो सही है। ये नहीं, मेरे पास पुराने लैपटॉप की बैटरी, लोग करते क्या, इन्हें लेकर आते हैं, इन्हें तोड़ते हैं, 18650 लैपटॉप की बैटरी निकालते हैं, भैया फेंक देते हैं कूड़े में, तो भाई ये पड़े पड़े सड़ जाती है। हम क्या करते हैं, मार्केट से BMS लेकर आते हैं, जो गाइस 300, 350 रुपए का मिलता है, उल्टा हो गया, 350, 350 रुपए का मिलता है। हम करते क्या, इसका BMS फेंक देते हैं। गाइस सेकंड मानिए, आप अपना नुकसान कर रहे हो। मेरा क्या जाता है, तो गाइस आज मैं आपके काफी सारे पैसे बचाने वाला हूँ इस बैटरी के थ्रू। तो प्लीज दोस्तों कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। इस वीडियो में चलेगा, चलते हैं हमेशा अपने टॉपिक की तरफ, समर एक्सपेरिमेंट। तो भाई साहब आपको एक बात बताऊं, ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ, बनाई थी, लैपटॉप में से कट गई, कैमरे से भी कट गई, भाई आप समझ सकते हो कितना बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई। और भाई वो वाला एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल रहा था यार, क्या कहते हैं, वीडियो कट गई, दोबारा बनानी पड़ रही है। जो भाई क्रिएटर है ना, वो मेरी परेशानी को जान सकते हैं बस, ठीक है। तो भैया अभी बिल्कुल ताजा जी, पहले 2 बैटरी लेकर आया था, फिर 2 बैटरी लेकर आनी पड़ी मेरे को। तो भैया खोल के देखते हैं क्या होता है। भाई आपको खोलने से पहले बता दूं कि भाई दोनों सेम बैटरी है, सिर्फ ब्रांड का फर्क है। तो भैया दोनों में बैटरी कैसे निकलेंगी, उनका दोनों का BMS में कितना डिफरेंस होगा, ये भी हम अभी देखेंगे, पहले खोल लेते हैं। भाई भाई बड़ा केड़ा मामला अभी ना खोलने का, तो जहाँ पेचकस काम ना आए, हथौड़ा काम आए। एक बैटरी हमारी अभी अभी खराब हुई थी, मैंने इसमें पेचकस घुसेड़ दिया था। ये तो रही भैया लोकल, ये रही ब्रांड वाली। मामला खराब कर दिया। तो भैया दोनों खुल गई हैं बड़ी मुश्किल से। तो भैया ये रही डेल की, ये भैया लैप लाइफ, जो भी है बैटरी कलर देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रहा, ये रहा डेल वाला, कलर का फर्क आप देख सकते हो, ये रहा डेल का और ये रहा लैप लाइफ, जो भी है। भाई ब्रांड की बैटरी में और लोकल बैटरी में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको मैं बताऊंगा गाइस, मैंने एक्सपीरियंस किया इस बात का। पहला गाइस फटाफट इनके में BMS हटा लेता हूँ। तो भैया दोनों का BMS निकाल दिया है, डेल लैप लाइफ। पहले भैया इनकी बैटरी चेक कर लेते हैं। तो गाइस इनकी मैंने अच्छे से सफाई कर ली है, अब आते हैं भैया क्या फर्क है इन दोनों में। देखो भाई ये रहा डेल का BMS, अब इसमें दिक्कत आएगी आपको गाइस, इसमें अच्छे से कनेक्शन समझ में नहीं आएंगे, लिखे हैं लेकिन ये ना अपने तरीके से लिख रखे हैं, VG हो गया, VI हो गया, RT1 हो गया, VH हो गया, VP हो गया, मतलब भाई समझ नहीं पाओगे। वैसे गाइस हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे थे आप ऐसे ही कर सकते हो। अब आते हैं भैया इस BMS की, जो कि गाइस लोकल बैटरी का है, यहां पर ऑलरेडी हर चीज लिखी है, जैसे कि BMS में लिखी होती है, ठीक है, 0 वोल्टेज, 4 वोल्टेज, 8 वोल्टेज और भाई 12 वोल्टेज भी लिखा होगा। हाँ देखिए, तो मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ये लिखा 12 वोल्टेज, यानी गाइस इसके कनेक्शन बहुत इजी है, बच्चा भी कर लेगा। आउटपुट इनपुट सेवेंस पे लिखे हैं P-P+, ये तो हो गया दोनों BMS का कंपैरिजन। अब आते हैं बैटरी के कंपैरिजन पे, बैटरी में क्या डिफरेंस है। देखिए कोई भी मैं एक बैटरी ले लेता हूं, दोनों के अलग अलग, दोनों में फर्क देखिए, मैं इसे हटा लेता हूं। ये रही भाई साहब सैमसंग की बैटरी, मस्त बैटरी है, महंगी बैटरी है, और भाई ये रही लोकल बैटरी, कोई ब्रांड नहीं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन गाइस इतनी सैमसंग की मस्त है बिल्कुल, ठीक है। अब इनमें दोनों में वेट कंपेयर करते हैं, कितना वेट है दोनों में, कितना फर्क है, या सेम है। ये रही भैया सैमसंग की बैटरी, अप्रोक्स 43 ग्राम, ठीक है। ये रही लोकल बैटरी, दोनों सेम बैटरी है, बढ़िया मस्त, दोनों बैटरी अच्छी, मैंने कहा ना ये बैटरी अच्छी, लेकिन ये ब्रांड नहीं है, जैसे कि सैमसंग ब्रांड है। तो भैया अब देखते हैं हमारी किस्मत कैसी जागती है और इनमें से कितनी बैटरी ठीक निकलती है। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, खराब है, ये भी खराब हो गई, देखिए 2 बैटरी खराब निकलती है, क्योंकि दोनों पैरेलल में होती हैं। अरे अरे मैं तो लुट गया भाई, ये भी खराब हो गई 100%। अरे भाई साहब लुट गया, नसीब खराब है, बस 2 बैटरी इसकी ठीक निकली हैं, और इसकी देख लेते हैं, बढ़िया, ये खराब, एक खराब और होगी 100%, ये ठीक है, ये भी खराब, ये भी ठीक है, और भाई ये भी ठीक होगी पक्का। देखिए भाई साहब 6 बैटरी खराब है, जो ओरिजिनल वाले ने सैमसंग की वो बैटरी खराब निकल गई, जो लोकल है वो ठीक है, ये होता है भाई किस्मत में। काफी लोग कहेंगे समर भाई ने रिपेयर कर लो, अरे भाई मजा नहीं आता रिपेयर करने बाद, आप इनसे इतनी पावर नहीं ले सकते रिपेयर करने के बाद, जो अब इनका यूज होगा रिपेयर के बाद इनका यूज नहीं रहेगा। तो भैया ये रही मेरी पावर सप्लाई और भैया ये रही BMS, फटाफट से चेक करते हैं कोई सा ठीक है नहीं है। तो भैया पहले इसके 12 वोल्ट देख लेते हैं, ये रहा OB पर और भाई ये रहा चला नहीं चला, अरे वाह चल गया 11.58 वोल्टेज ये दिखा रहा, जो गए हमने से दिए हैं BMS को। यार कमाल की बात हो गई भाई, BMS को होते हुए बैटरी खराब, लगता है चाइना कमाल है। खैर हमारे क्या, हमारे तो BMS ठीक निकलना चाहिए, बाई चांस खराब भी निकलते हैं, है ना। मैंने इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो वीडियो कट गई थी, उसमें 2 में से 1 BMS ठीक निकला था, 1 खराब निकला था, सेम ही हो रहा। तो भैया हमारा ठीक निकल चुका, हम डेल का चेक नहीं करेंगे। तो भैया हमारी अब बैटरी भी ठीक है और BMS भी बिल्कुल मस्त है। तो भैया फटाफट बनाती बैटरी, और बैटरी में कोई भी अलग से बॉडी नहीं बनाऊंगा, कोई PVC पाइप नहीं करूंगा, एक बैटरी अप्रोक्स
दो एम्पेयर के, तो भाई ये बैठेगी 6 एम्पेयर का पावर पैक। तो भैया सारे कनेक्शन कर दिए, जैसे मिली हुए थे नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मिला दी, इस तरीके देखिए वो भाई मैंने सीरीज में कर दिए, ये देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से। तो भाई ये निकला नेगेटिव जो की 0 वोल्ट में लग गया, आ गया 4 वोल्ट जो की 4 वोल्ट में लग गया, यहाँ से फिर आगे गए 8 वोल्ट, ठीक है दोनों सीरीज में ना, तो भैया 8 वोल्ट यहीं से आ गए, तो भैया 12 वोल्ट लगा था सीधा 12 वोल्ट पर। तो भैया ये हो गया मस्त बिल्कुल। तो भैया इस BMS के आउटपुट चेक कर लेते हैं, आउटपुट और इनपुट सेम होंगे जहाँ से भी चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे। हाँ 10 पॉइंट कहेंगे मैं रुक जा चल जा भाई, हाँ 10.08 वोल्टेज, क्योंकि हमारी बैटरी ये लो है, यानी कि भाई से आउटपुट भी सही आ रहा है। और लंबे लंबे बाल जो ना मैं जुल्फकार बना पड़ा हूँ भाई, घर वाले मेरे पीछे पड़े में, हो सकता है मेरे साथ कुछ हादसा हो जाए और इसकी जिम्मेदार मैं अपने घर वालों को ठहराऊंगा। भैया कैंची से काट सके यार, रात को सोते हो बाल हो। तो भैया यहाँ से ले लेंगे पॉजिटिव, ये दोनों सेम है ना, कभी आपको लगे मैं इधर लगा रहा हूँ, लाइन एक ही है और ये इसका नेगेटिव, देखिए ये दोनों पॉजिटिव है मिले हुए ना, ऐसे सेम इधर है ये दोनों, P-P-, ये दोनों सेम है मिले हुए आपस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आउटपुट और इनपुट यहाँ से निकला। और भाई ये रेस की बॉडी बैटरी की जो कि हमने तोड़ी थी, मैंने कहा ना गाइस हम कोई भी बॉडी नहीं बनाएंगे PVC का यूज करके, ठीक है हम इसी का यूज करेंगे। तो भाई ये अच्छे से इसमें आ तो जानी चाहिए यार, बनाया तो इस तरीके से हमने, थोड़ा सा नखरा करेगा ये लेकिन हम झेल लेंगे। आ गया फिट बिल्कुल, चलो भाई ज्यादा वक्त नहीं गवाएंगे, फटाफट भैया इसको हम इसके अंदर फिट कर देते हैं। तो लीजिए भाई हमारा 12 वोल्ट का एक बैटरी पैक बन चुका है, इसे बनाने में मुझे लगभग 180 रुपया खर्च आया है, कम ज्यादा हो सकता है, जैसे कहीं जगह होती है ना उसके साथ लैपटॉप की बैटरी सस्ती मिलेगी या महंगी मिलेगी उसके हिसाब से। और भाई 180 का भी इसलिए आया क्योंकि आप जानते हो मैंने 2 बैटरी लेकर आया था, अगर आप एक बैटरी ठीक निकलती है तो भैया 90 रुपए का ये आपको बैटरी पैक पड़ेगा, है ना जो रियल है रियल है। तो भैया ये उससे लाभ करना बेहतर है जो आप UPS की बैटरी लेकर आते हो 7 एम्पीयर आवर की जो 7 AH की होती है 12 वोल्ट में, और भाई लगभग 1800 रुपए की आती है, और भाई ये 90 या 100 150 रुपए की आपकी पड़ जाएगी। तो चलिए भाई पहले इसे चार्ज करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारी बैटरी लो है मतलब हमारे लिए वाली बैटरी लो है, तो यहाँ मैंने सेट कर दिए 12.6 वोल्टेज, ठीक है। और भाई यहीं से पावर आप लेंगे, यहीं से देंगे, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो देखिए रिचार्ज हो रही है, ठीक है 2.7125 ये ले रही है, ठीक है खैर बहुत ज़्यादा एम्पीयर हो रही है तो आराम से कम एम्पीयर करते हैं, ठीक है ना, हाँ 2 एम्पीयर से चार्ज करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो खैर चार्ज हो रही है जो बात है वो खैर बाद में देखेंगे। तो चले भाई इससे कुछ अब चला के भी देखते हैं, है ना। ये मैं लेकर आऊँ LED और भाई ये है 550 जो कि काफ़ी पावर लेता है, ये भाई अंदर कर देगी मेरे ख्याल से, काफ़ी तेज लाइट है भाई ये, ओए है भाई साहब अंदर कर दिया, बहुत तेज लाइट है भाई, आपको नहीं दिखाई देगी शायद कैमरे में गाइस, डायरेक्ट बहुत तेज लाइट भाई इसकी। और भाई देखिए अरे है भाई बहुत तेज लाइट है, देखिए मतलब ऐसे देख ली जाएगी डायरेक्ट, बहुत तेज लाइट है, खैर मस्त काम कर रही है। अब भैया से चला के देखते हैं ये DC मोटर, मस्त। और भाई ये अभी बैटरी फुल चार्ज में नहीं है, अप्रोक्स ये 10 वोल्टेज आउटपुट दे रही है। तो गाइस आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भाई मैंने आपके काफी सारे पैसे बचा दिए हैं ऊपर, तो गाइस ये बेस्ट आइडिया है। थैंक यू सो मच दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कैसे लगी वीडियो।